नमस्कार दोस्तों, मैं चैन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में मैंने ए लाइन फ्रॉक की कटिंग बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये मैंने कम कपड़े में ज़्यादा घेर वाली ए लाइन की फ्रॉक की कटिंग बताई थी। देखिए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम इसके घेर को बढ़ाने के लिए तो मैंने इसकी ये चार कलियाँ कटिंग करी थी। तो इसको हम इस तरह रखते हुए, देखिए इस तरह रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे और फिर ऐसे खोल देंगे। इसी तरह से हमें ये चारों किनारों पे कलियाँ लगानी है। तो इसमें मैं पहले आपको एक कली लगा के दिखाती हूँ। देखिए, यह जो हमारा कमर का कट आ रहा है, यहीं से हमें कली को रखते हुए सिलाई करनी है। ये सीधा पार्ट है, तो सीधे के ऊपर ही हमें ये कली को ऐसे उल्टा करके रखना है। दोनों तरफ हमारे अंदर सीधे की तरफ होनी चाहिए और फिर हम इसको इस तरह से रखेंगे जहाँ हमारे ये कमर का कट है। तो यहाँ पर इस तरह रखते हुए हमें ये सिलाई देनी है। यहाँ पे पहले हम ऐसे पक्का कर लेंगे और फिर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हमने ये एक तरफ की कली लगा दी है। तो देखिए, ये इस तरह से हमारी एक वाली कली लग गई है। अब इसी तरह से हमें ये दूसरी तरफ भी कली लगानी है। तो यहाँ पे भी हमने ये देखिए कमर का कट लगा रखा है, यहाँ पे भी हम दूसरी कली रखेंगे। इसको इस तरह से रखते हुए इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने फ्रंट पार्ट में दोनों किनारों पे इस तरह से ये कलियाँ लगा दी हैं। तो देखिए, इससे हमारे ये घेरा भी ऐसे बढ़ गया है। अब जिस तरह से मैंने ये फ्रंट पार्ट में कलियाँ लगाई हैं, इसी तरह से मैंने बैक पार्ट में भी कली लगाई है। तो देखिए, इसमें बैक पार्ट में भी हमने ये कली को ऐसे लगा दिया है। अब हम इन दोनों पार्टों को फोल्ड करके ऐसे रखेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से इसको ऐसे फोल्ड करके रखूँगी। अब हम नीचे के शेप देंगे। हमने ये कली लगाई थी जो, तो हमारे ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो अब हम इसके घेरे की शेप देंगे। तो इनको एक साथ ऐसे कर लेंगे। तो देखिए, मैंने ये एक साथ ऐसे कर दिए है। अब हम इसका गला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये कंट्रास्ट में पाइपिंग ली है। तो देखिए, मैं इसकी पाइपिंग लगाऊंगी। आप चाहे तो इसमें इसी कपड़े की पट्टी भी लगा सकते हैं, पर मैं इसमें ये पाइपिंग लगाऊंगी। तो इसको हम इस तरह से लगा के इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें हम 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगाएंगे। पट्टी को हमें बिल्कुल हल्का सा खींचते हुए सिलाई लगानी है। हमें ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना, हल्का सा खींचते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे और फिर एक्स्ट्रा कपड़े की इसकी यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे। अब देखिए, आपको जितनी भी मोटी या पतली पाइपिंग रखनी है उसको इस हिसाब से मोड़ लें। तो देखिए, मैंने ये इसको इस हिसाब से ऐसे मोड़ लिया है। अब मोड़ने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसमें अंदर का जो ये मार्जिन है, इसे हम पाइपिंग की तरफ रखेंगे। पाइपिंग की तरफ रखते हुए इसको मोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई करते हुए हमें ध्यान रखना है कि सिलाई हमारी पाइपिंग के ऊपर ना चढ़े। हमें बिल्कुल इसके बराबर में सिलाई लगानी है। अब देखिए दोस्तों, मैंने ये इस तरह से पाइपिंग लगाई है। इतनी मोटी मैंने इसकी ये पाइपिंग रखी है। अब हम इसको उल्टा कर देंगे। अब जो हमारा ये कपड़ा आ रहा है, इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए, इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगी। अब बाद में मैं इसमें तुपाई कर दूँगी, फिर इसके बाद हम इसको उधेड़ देंगे। तो देखिए, हमें ये आराम आराम से इस तरह से इसको फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये इस तरह से पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। तो देखिए, मैं आगे से भी दिखाती हूँ। तो ये हमारी ये फिनिशिंग से पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। अब हम इसका बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में मैं सिंपल और एक पट्टी लगाऊंगी इसी कपड़े की। इसको हम भी 1 फुट के मार्जिन से ही इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब इसमें हम कट लगा देंगे। इसके जहाँ गोलाई आ रही है उसमें हम कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद
अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो देखिए मार्जिन को ऊपर रखते हुए हमें पट्टी को इस तरह से मोड़ना है। इस तरह मोड़ते हुए ये हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें पट्टी के ऊपर लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है इसकी हम कटिंग कर देंगे। ऊपर की साइड ये एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है तो देखिए इसकी हमने कटिंग कर दी है। अब हम इसमें तीरे की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए पहले देखिए इसे ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। फ्रंट पार्ट को रखने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगा देंगे। बैक पार्ट की जो पट्टी है उसे हम बाहर की तरफ ही रखेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर हमें ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी पट्टी को ऐसे बाहर रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब एक और सिलाई लगा देंगे जिससे ये पक्की सिलाई हो जाए। अब देखिए दोनों तरफ सिलाई हो गई है। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे। खोलने के बाद अब जो बैक पार्ट की पट्टी है इसको हम मोड़ेंगे। तो देखिए पहले हम मार्जिन को इस तरह से रखते हुए अंदर की तरफ दबाते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे। इसी तरह करते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इसमें पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर इसमें कच्ची सिलाई लगाकर बाद में इसमें तुरपाई भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है तो ये हमारा गला पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम बाजू तैयार करेंगे। बाजू के लिए मैंने ये दोनों बाजू की कटिंग कर दी थी, इसमें से एक निकाल देंगे। इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने पट्टी काट रखी थी, ये मैंने 2 इंच के चौड़ाई में पट्टी काटी थी। अब देखिए मैंने इसको ऐसे डबल कर दिया है। डबल करके हम इसमें सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसमें भी देखिए इस तरह से ऐसे मोड़ेंगे। मार्जिन को हमें पाइपिंग की तरफ रखते हुए हमें इसको इस तरह से मोड़ना है। आपको जितनी भी मोटी या पतली पाइपिंग रखनी है उस हिसाब से इसको मोड़ दें। मोड़ने के बाद फिर सिलाई लगा दें। सिलाई हमें पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में लगानी है। अब देखिए इसमें भी मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें एक और सिलाई लगाएंगे 1 फुट के मार्जिन से। तो देखिए हमें यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे इसके सिलाई लगा देंगे। अब ये सिलाई लगा दी है। अब जिस तरह से ये एक बाजू तैयार करी है इसी तरह से हम ये दूसरी बाजू भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने दोनों बाजुओं में पाइपिंग लगा दी है। अब हम इसे फ्रॉक के संग जोड़ेंगे। तो इसको हमें इस तरह रखते हुए, देखिए जो हमने बीच का कट लगाया था उससे तीरे से मिलाते हुए और फिर इसे रखते हुए सिलाई लगा देंगे। अब हमने एक बाजू लगा के तैयार कर ली है, इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी लगा देंगे। अब देखिए मैंने ये दोनों बाजुएं लगा के तैयार कर ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई के लिए पहले हम बाजू की मोहरी का निशान लगाएंगे। इसकी मोहरी बाजू की 7 इंच की है तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे। तो देखिए 7 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। इन निशानों को मिलाने के बाद अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले पक्का कर लें और फिर ऐसे सिलाई लगा लें। हमें ध्यान रखना है नीचे जो हमने ये कलियाँ लगाई थी ये हमारी एक साथ दोनों तरफ की बराबर आए और फिर इसको ऐसे मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों मैंने ये एक तरफ की सिलाई लगा दी है। अब जिस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाई है इसी तरह हम ये दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे जैसे निशान लगा रखा है यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब मैंने यह दोनों तरफ ने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको सीधा कर दिया है। अब हम नीचे घेरे की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए देखिए पहले हम ऐसे 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे फिर एक और फोल्ड करके ये पूरे घेरे में सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, अब मैंने इस तरह फोल्ड करके ये पूरे घेरे में सिलाई लगा दी है। तो देखिए ये पूरे में इस तरह से आ गई। अब हम मैं आपको इसका गला दिखाती हूँ। तो देखिए गले में भी मैंने इसमें तुरपाई कर ली है, तो हमारे ये गला भी पूरी तरह से बन के तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसकी साइड की कलियाँ दिखाती हूँ। तो देखिए ये कली बन के इस तरह से आएगी। देखिए इस तरह इसकी शेप आएगी, इससे हमारा घेरा भी अच्छा खासा बढ़ जाता है। अब मैं आपको इसको नीचे रख के दिखाती हूँ। तो देखिए ये इस तरह हमारी ये पूरी फ्रॉक कुर्ती बनके तैयार हुई है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।